अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उषा ज़ेबली और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी 2। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को कर ले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक फिर आगाज़ करते हैं, ठीक है, पार्ट 3। तो जैसे कि मैंने स्टोरी उस लड़के की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आओ वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिमें कि असं बार्डर उत्ते पहुँच गए हैं, ठीक है ना। बार्डर उत्ते पहुँच गए तो वो मुंडा कहता कि जी असं बार्डर उत्ते शरदेव भाई बैठे हाँ। तो तकरीबन सुबह सरगी 4 का टाइम से कहता शरदेव भाई बार्डर उत्ते पहुँच असी, तो बार्डर हूँ पहले वाला बार्डर नहीं रहा। कहता शरदेव भाई जिन के असी वीडियोज़ वेखने स या फिर भाई लोग दसते सन कि बार्डर पता भी नहीं लगता क्रॉस हो जाते। कहते शरदेव भाई हूँ इस तरह नहीं है, हूँ उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी, घट्टो घट बहुत बड़ी, मतलब कि समझ लो कि जितनी पहली मंजिल नहीं असी, मतलब पहली मंजिल असी मकान की लाने, ठीक है ना, मकान की पहली मंजिल जितनी हाइट होनी उस दीवार की। तो उन्होंने कहता शरदेव भाई उन्होंने दीवार बना दी थी, दीवार बना के उन्होंने उत्ते रिंगर जी तार लगा दी थी, तो वो परथे वह मुंडा कहता कहते शरदेव भाई जरा ना फिर वो जरा तार के अड़थे उन्हें फिर जरा ना एजेंटा ने भी किया, दो एजेंट सन उन्हें पौड़ी ना ले हुई, ठीक है। कहता शरदेव भाई उन्हें पौड़ी ना ले हुई उत्ते चढ़िया, एक उन्हें तार कट्टी, तार कट के तो उधरों भी कट्टी, इधरों भी कट्टी, उन्हें मेहनत करके फिर उन्हें दूजे ने पौड़ी लाई, उन्हें दोवें फड़ के तार ने जरा ना खोलिया, मतलब तार के जगह उन्हें बना के। तो कहता शरदेव भाई उन्हें फिर सामने जरा ना वारों वारी एक पौड़ी उधर लगा दी थी, एक इधर। कहता शरदेव भाई उन्हें एक एक करके जरा ना बंदे क्रॉसिंग कराने शुरू हो गए। कहता शरदेव भाई बड़ी खुशी कि हम असं बड़े पास हो गए, सू इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। पर हर कहता शरदेव भाई सू भी पता सी कि टेंशन असल होनी शुरू हो गई है। कहता शरदेव भाई वो जरा ना सू जरा बहुत ज़्यादा खुशी तो असी क्रॉसिंग की। कहता शरदेव भाई जो सारे बंद क्रॉसिंग काटी तो उन्हें कहा बुरो बुरो कि चले जाओ भाई असी तुम अगों ता जेंट लैन आइएगा। वो जोड़ा बंदा टॉर्च मारता पे तो वह कहना कि शरदेव भाई एक बंदा घोड़े के उत्ते तो उन्हें टॉर्च इंजन मार रहा है भाई साढ़े वाला। कहता शरदेव भाई असी वो टुरे ही हाँ, तो कहना यकीन मनो कि स्कैनिंग हो चुकी थी, सू जो ट्रैक कर लिया से उन्हें, तो अदू जी कहता इधरों मियाँ जी पुलिस वाले की गड्डी आई, इधरों मियाँ जाइए, ठीक है जी। कहना तीन गड्डिया हेड़ पे उभर बजी ने उतरद सार ने अंज हवाई फायर किए। कहता शरदेव भाई असं उत्थे सारे चुप बह गए, कहना उत्थे डर गए, कुछ बंदे जरा ना चीकों मारना पे, कहता कुड़ियों चीकों मारना पी असं बह गए। कहता दू तिना बंद उन्होंने रबड़ वाली गोलियां भी मारियां। कहता शरदेव भाई रबड़ वाली गोलियां बजिया तो उन्होंने बेचारे ने जो मास सोरी गए, किसी सिर सोरी गया, किसी की अख सोरी गई। कहता बरहैर असी फड़े गए, असी बह गए। कहता असी इंज बहने पे साढ़े सामने टैर टॉर्च पता ही लगे गैप किधर हुई है। कहता जिमें ही होया कि असं फड़े गए, लो जी पहली गेम जी गए, पहली गेम गए तो पहुंचा किनवी गेम च बया तुम वीडियो से देख लें। कहता शरदेव भाई असं जिमें बह गए ठीक, उन्हें सू फड़िया, उन्हें साढ़े फड़ के तल जो सू सैड पर बिठाया, तो लैंडवाइज बिठा के उन्हें एक एक की तलाशी लेके बैग फोले ने सारा कुछ। कहता शरदेव भाई इतनी ठंड सी कि असं यकीन करो कि ठरन डे स, तो वह फौजियों ने बहुत अपना मतलब जरा ना बहुत उन्होंने इंतजाम किया है कि उन्होंने इतनी ठंड नहीं सी लगती है। कहता शरदेव भाई उन्हें की कीता, उन्होंने साढ़े बैग फड़े, बैग एक थान कट्ठे किए, ठीक है, सारे ने बैग कट्ठे करके। तो उन्होंने कहा भाई कि तुम कितों दे हो, इन्होंने पूछा। कहता फिर इंग्लिश उन्होंने पूछा तो कहता सू समझ लग गई, तो एक बच्चों मुंडा इंग्लिश जानते ही उन्हें कह जी असं पाकिस्तान दे। कहना उन्होंने कहो कि हो गया विवर्स। कहता उन्हें शरदेव भाई उन्हें साढ़े बैग रखे ने, बैग रख के सारे कट्ठे करके ढेर ला के फिर उन्होंने साढ़े शूज़ लवाए ने, सके शूज़ का लवाने ने, शूज़ लवा के उन्हें साढ़े शूज़ भी उस टेब उत्ते सटे, फिर उन्हें साढ़िया जैकटा लवाइया, जैकटा लवा के उन्हें उस सुटिया गई उस टेब उत्ते। कहता शरदेव भाई सिर्फ साढ़े थले उन्हें जोड़े कपड़े सब पाए से ना पैंट शर्ट वो सिर्फ रहन दीदियाँ, तो यकीन मन उन्हें शूज़ भी साढ़े लवा ले, तो जलाबा भी मोजे भी उन्हें साढ़े लवा ले। कहता शरदेव भाई उन्हें ढेर के उत्ते सारा कुछ सट गए, साढ़े सामने उत्ते पेट्रोल सट के अग ला दी। वो कहता शरदेव भाई अग लाई तो पर अग तो लगी तो अग का सेव तो थोड़ा बहुत है, पर कहता यकीन मनो असं कम के मर थे। व्यूअर्स एक बार सोचो, एक बार यार अपने जेन च सोचो कि उन्होंने उत्ते की लम्हा आना है, किड्डी उन्होंने तकलीफ हुई होनी इतनी ठंड च। तो कहता शरदेव भाई असं रोन लग पे, यकीन मनो कंबी आइए तो रोई आइए, साढ़े इंज ठट के बुरे हाल हो गए। कहता लेडीज़ के तो बगैर उन्होंने नहीं लवाए, मतलब कपड़े ना बूट ना शूज़,
ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜ਼ੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਟੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਫੜਨ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭੜਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਫੜਨ ਕੂਣੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਲਨੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਟੋਲਨੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਚੜ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ